हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपना व्लॉग डाल रही हूँ 2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद, क्योंकि मेरे ना फीवर हो रहा है, अभी भी हो रहा है बहुत। और मतलब टाइम मेडिसिन वगैरह खाती हूँ तो ठीक रहती हूँ, फिर उसका असर ख़त्म हो जाता, फिर दोबारा फीवर। बॉडी में तो इतना पेन हो रहा है, फीवर चला जाता पर बॉडी पेन नहीं जाता बिल्कुल भी, खड़ा भी नहीं हुआ जाता। ऐसा पहला फीवर है, शायद वायरल है ना, उसकी वजह से हो रहा है। मौसम चेंज हो रहा है ना, और अभी बज रहे हैं 10:30 और पोंछा भी नहीं लगाया मैंने, उठा ही नहीं। मतलब वो ये झाड़ू लगा दी थी, फिर ब्रेकफास्ट कर लिया था, नहा धो लेते, किचन किचन में लगा दिया था। ये सुबह यहाँ परेशान कर रही है। हाँ बेटा, फिर अब बस खाना बनाने जा रही हूँ। आज मूंग की दाल की बड़ी रखी है तो उन्हें बनाऊंगी, थोड़ा सा पनीर है उसी में डाल दूंगी, रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि वो तो रेसिपी शेयर करती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों, आप मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहना और प्यार देना, क्योंकि अब मेरी वैसी तबीयत ख़राब हो रही है। बस मेरा मन था कि हाँ चलो ब्लॉग तो एक डाल ही दूँ, तो आप मेरे ब्लॉग के साथ ज़रूर जुड़े रहना दोस्तों। शुभी को देखो, शुभी आपको पता है मम्मा की तबीयत ख़राब हो रही है? पता है क्या? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, पहले मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल, बहुत थोड़ा सा, और फिर इसमें ज़ीरा और हींग डाल दी है, फिर टमाटर, एक टमाटर और एक हरी मिर्च डाल दिया था मैंने काट के, हल्दी और नमक डाले थे, बस अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं नमक। और यहाँ पे मटर, आलू और इसकी मूंग की बड़ी हमने डाल दी, और थोड़ा सा मेरे पास पनीर भी रखा हुआ था इसलिए फिर मैंने वो भी डाल दिया था इसमें। और जितना आपको गाढ़ी चाहिए सब्ज़ी, पतली चाहिए, उस हिसाब से आप पानी भी मिला सकते हैं इसमें, और मैंने उसी हिसाब से इसमें पानी मिला दिया जितनी पतली हम सब्ज़ी खाते हैं। फिर इसमें हम लगाएंगे 3 विसिल, 3 विसिल के बाद आप सब्ज़ी को खोलेंगे और खाएंगे, बड़ी अच्छी लगेगी। मैं आई हूँ आंटी के घर शुभी से मिलने, और ब्लॉग आ नहीं रहे हैं क्योंकि आंटी की है तबीयत ख़राब। आंटी बताओ कैसा लग रहा है, अब तबीयत ख़राब हो गई आपकी? अच्छी बात है। बताओ आंटी, आपकी बहू बीमार है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। मुझे तो लगा अच्छा लगेगा। फिर शुभी बेटा रोने लग गई। अभी शुभी ने टोपी पहनी हुई है, अभी लड़की रो रही थी, अब चुप हो गई, फिर रोएगी। सारे बच्चे तो कैमरे में देख के हंसते हैं, यार हंसती नहीं है, रोती और है। कितना बुखार चेक करो। हंस रही है, हंस रही है। अरे लो लो लो, ये लड़की कैमरा ले गई। अरे लो, अरे लो, गुस्सा हो गई, अरे लड़की तो गुस्सा हो गई। अपनी दादी के पास जाने को कर लिया। इसको जिलाओ के। शुभी, घूमेंगे 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 घूमेंगे, आओ आओ दादी पास चलें। अरे अरे, ये हंस, ये लड़की झूले के नाम पे हंस जाती है। दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? दोस्तों, मेरे ना फीवर ज़्यादा हो गया था तो इसलिए मैं हॉस्पिटल ही आई हूँ दिखाने के लिए। गले में तो बहुत ज़्यादा पेन है तो इसलिए हॉस्पिटल ही आना पड़ा। स्कूटी पे आई थी, गले में तो दर्द हो रहा है, यहाँ पर अजीब बोलने में भी अजीब सा हो रहा है, सुबह तो वॉमिटिंग सा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा हॉस्पिटल ही आ जाते दिखा देती हूँ इमरजेंसी में। आवाज़ भी आपको चेंज लग रही होगी। डॉक्टर को दिखा लिया इमरजेंसी में, डॉक्टर को नहीं, रिसेप्शन पे जो बैठते हैं उनको बता दिया सारी चीज़ें, फीवर कितने दिन से हो रहा है, क्या कैसे। और यहाँ डॉक्टर का वेट कर रही हूँ, डॉक्टर इस वाले रूम में भी है नहीं, यहाँ पे आएंगे तो दिखाती हूँ उन्हें। ये मेडिकल ऑफिसर का रूम है, यहाँ पे अभी आएंगे, शायद भी कहीं गए हैं, फिर आते हैं तो उन्हें दिखाऊँगी मैं। ये देखिए लगते हैं, फीवर वगैरह ये सब लगते हैं। अच्छा
वाला है। पानी वाला तो है, थोड़ा बड़ा सा तो दे दो। मलाई वाला है तो बड़ा बना लिया भैया तुमने। निकलेगा टूट निकलेगा तो नहीं इसमें से नारियल का नारियल निकलेगा तो नहीं इसमें से स्ट्रॉबेरीज को डालो। दोस्तों मैं घर पे आ गई हूँ, मेडिसिन ले आई थी और मेडिसिन बोल रहे हैं 10 से 15 दिन लगेंगे, वो तो कह रहे हैं एडमिट हो जाओ। और ये हम यहाँ पे मम्मी जी का वेट कर रहे थे, मम्मी आ गई हैं क्योंकि हॉस्पिटल में तो और ज़्यादा बीमार हो जाती है, इसलिए एडमिट वेडमिट नहीं हुई अपना। ये 10 दिन लगेगा रिकवर होने में, तो आने का कोई नहीं, आप मेडिसिन दे दो, हम यहीं पे मैं घर पे ठीक हो जाऊंगी, हॉस्पिटल में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती। और हमारे यहाँ सोसाइटी में पता है देखो ये प्यारा सा फाउंटेन बना है। कब अच्छा मम्मी ने कब तक तेरे को मैंने बोला कि आंटी से जाके फ़ोन पर बात करा दी, तूने मेरी बात करा तू रहन दे फोन पर आ जाओ तूने मेरा ना रहन दे तू तो आप शुभी को नीचे झूला झूला रहे हैं यहाँ पे कपड़े इसके नीचे कर ले, ब्लॉग बना रही हूँ। हाय गिर जाएगी, चले जाओ कोई नहीं। देखो आगे को आ रही है, रोक के उसे ढंग से चलो। हाँ तो अभी शुभी झूला झूलने आ चुकी है, ये लड़की उतर नहीं रही है। हमारा कंटेंट तो भाग रहा है, चलो 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 आओगे। अभी मैं इसको गोदी में लेती हूँ। अभी हमारी सोसाइटी में ये सब लग गया है, सॉरी वो रही आंटी। अभी हम क्या लेना है, आज मुझको भी आंटी की तरह बुखार चल गया ब्लॉग चलाने। बताओ कमेंट में बताना कि कौन ज्यादा अच्छा व्लॉग बनाता है, आंटी बनाती है या मैं बनाती हूँ, बताना। हाँ व्लॉग बन रहा है ये रही आंटी। चलो मैं यहाँ की पनीर लेके आती हूँ। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाय।